हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की टाइपिंग स्पीड है 50 शब्द प्रति मिनट। टाइपिंग शुरू होगी 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। फरियादी रितिका राय द्वारा इस आशय की लिखित रिपोर्ट दी गई कि वह अनूपपुर से बिलासपुर नर्मदा एक्सप्रेस के कोच नंबर S9 में रेलवे स्टेशन अनूपपुर में बैठी थी, जब ट्रेन अनूपपुर रेलवे स्टेशन से चलना प्रारंभ की तो एक लड़का जो पहले से उक्त कोच में बैठा था, उसका सैमसंग कंपनी का मोबाइल हाथ से छीन कर भाग गया और प्लेटफार्म में उतर गया। फुल स्टॉप। उक्त चोर का हुलिया उसके द्वारा पुलिस को बताया गया था। उक्त आधार पर GRP पुलिस द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट लेख की गई थी। विवेचना के अनुक्रम में संदेही अभियुक्त जित्तू उर्फ जितेंद्र से पूछताछ कर उसका मेमोरेंडम कथन लेख किया गया और मेमोरेंडम कथन के आधार पर अभियुक्त से मोबाइल जब्त किया गया। साक्षियों के कथन लेख किए गए। अभियुक्त को गिरफ्तार कर तथा शेष औपचारिकताएं पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी अनूपपुर के न्यायालय में पेश किया गया। फुल स्टॉप। पैरा लेंगे। यह अपील अधीनस्थ न्यायालय के अभियोजन साक्षियों के कथनों में एक रूपता ना होते हुए भी अपीलार्थी को दोष सिद्ध कर भूल की है। अभियोजन पक्ष के जप्ती और मेमोरेंडम के साक्षियों द्वारा अभियोजन कहानी का समर्थन नहीं किए जाने के बावजूद भी अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थी को दंडित करने में भूल की है। अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर गौर नहीं किया है कि अभियोजन साक्षियों के कथन विश्वसनीय नहीं थे। फुल स्टॉप।
उपरोक्त आधारों पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित को अपास्त किए जाने का निवेदन किया गया है। फुल स्टॉप पैरालिंग। मामले की अभियोक्त्री का यह कथन रहा है कि घटना के रोज वह चिरमिरी से अनूपपुर आई थी और उसे ध्यान नहीं है कि वह किस ट्रेन से अनूपपुर से बिलासपुर जा रही थी, लेकिन वह जनरल बोगी में सामने की सीट में बैठी थी। उसके साथ उसकी ताई कृष्णा राय और उसकी बहन कृतिका राय थी। फुल स्टॉप। जैसे ही रेल अनूपपुर स्टेशन से चली, अभियुक्त उसके हाथ से मोबाइल छीनकर भागा, जो मोबाइल सैमसंग कंपनी का काले रंग का था। अभियुक्त चेक शर्ट पहने था, लेकिन वह अभियुक्त का चेहरा नहीं देख पाई थी और रेल चल चुकी थी, इसलिए बिलासपुर में जाकर लिखित रिपोर्ट दी थी, जिस पर से पुलिस ने प्रथम सूचना रिपोर्ट लेख की थी और 4-5 महीने बाद अनूपपुर जीआरपी से फोन आया था कि मोबाइल मिल गया है। फुल स्टॉप। प्रति परीक्षण में साक्षी ने यह कहा है कि आगे की बोगी में बैठी थी। फरियादिया की बहन कृतिका राय का यह कथन रहा है कि वे लोग किस बोगी में बैठे थे यह ध्यान नहीं है, लेकिन उसकी बहन हाथ में फोन रखे थी। जो कोई लड़का चोरी करके ले गया था, उसने खुद फोन को चोरी करते नहीं देखा था। लोगों द्वारा फोन चोरी होने का हल्ला करने पर उसे पता चला था और उसकी दादी ने बिलासपुर में जाकर रिपोर्ट लेख आई थी। फुल स्टॉप। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।